क्या आपके बच्चे में धीरज सबूरी कम है? आज इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल के बच्चे जो है उनमें धीरज या सबूरी बहुत कम है। लोगों को जो भी, मतलब बच्चों को जो भी चाहिए वो तुरंत चाहिए। मतलब चॉकलेट पालकों ने तुरंत चॉकलेट देना पड़ता है, नहीं तो चिल्लाना चीखना चालू हो जाता है। बोलते मेरे को ड्रेस होना तो तुरंत ड्रेस, मुझे पेन होना तो तुरंत पेन। और पालक भी ऐसा है कि नहीं नहीं हमको है ना हमारे बचपन में नहीं मिला, तो अभी हम हमारे बच्चों के लाड़ प्यार बराबर पुराएंगे, उनको जो भी चाहिए वो दे देंगे। जो भी बच्चा बोलता है ये होना वो होना तो तुरंत उसको खरीद के दे देते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है, सहनशीलता या धीरज जो है, वो बहुत कम हो जाता है। जब फिर उनको कुछ मिलता नहीं है जैसा वो मांगे वैसा, तो फिर वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और फिर उस समय वो भावना में आके कुछ भी करते हैं। अभी 3 दिन पहले अकोला के पास बार्शी टाकली नाम का एक ग्राम है, वहाँ एक बच्चे ने आत्महत्या किया, खुदकुशी किया। 12th की उसने एग्जाम दिया, 12th में पास हो गया, मगर उसने उसके माँ के पास मोबाइल की डिमांड की। माँ ने बोला हाँ मैं रुक मैं तुमको देती हूँ मोबाइल। उसको पिताजी नहीं है, पिताजी गुजर गए हैं, माँ मजूरी करती है, और उसने उसको मोबाइल खरीदने के लिए हाँ बोला था, मतलब प्रॉमिस किया था 2 दिन के बाद मैं मोबाइल लेके दूंगी ऐसा बोला था, मगर बच्चे को टॉलरेंस नहीं है। आजकल के बच्चों को चाहिए कि नहीं तुरंत चाहिए, जो भी चाहिए वो अब भी चाहिए, वो रुकेंगे नहीं, धीरज नहीं है। और फिर जब उसको देखा उसने कि नहीं अभी मुझे मिलने वाला नहीं है, आज मिलता नहीं, उसने बोला आज ही होना, बोले आज नहीं पॉसिबल। तो जैसे ही माँ उसकी मजदूरी के लिए खेत में गई, इसने घर में अपने आप को टंगा लिया, फांसी ले ली। तो भी ये देखना पड़ेगा माँ बाप को कि बच्चों के परवरिश के समय बचपन से ही उनको टॉलरेंस उनमें कैसा डेवलप होगा वो डेवलप करने की जरूरत है, टॉलरेट करना सीखना चाहिए। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए तो चलता है, तो बच्चों को कभी भी उनके मुंह से जो भी निकला वो मत ला के दो। हाँ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आजकल लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत अलग 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 चाहत भी है। काफ़ी सारी बातें हैं कि अभी होटलिंग करना, पिज़्ज़ा लेना, नूडल्स होना, पेन होना, बैग होना, ये होना वो होना, मतलब और अभी आजकल तो मोबाइल, और मोबाइल लेने के बाद में गेम्स खेलने का है, पबजी खेलने का है, मतलब इतनी सारी बातें हैं, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, और वो करते रहते कि उनको रुका ही नहीं जाता है। और स्पेशली जब उनके दोस्त लोग देखते हैं ये, तो उनको लगता है कि मैंने तो करना ही चाहिए, मुझे तो होना ही होना है। और उसमें फिर आपको परवरिश में देखना पड़ेगा कि भाई क्या हम हमारे बच्चों का जो हम देखभाल जो करते हैं, परवरिश करते हैं, तो वो इस तरह करते हैं क्या कि नहीं उसको देंगे मगर थोड़ा सा रुक, शांति रख, देंगे, और उसका टॉलरेंस हमने बढ़ाना चाहिए। परवरिश के समय दे दे, 2 दिन बाद देंगे, चलो तो 3 दिन, ये हफ्ते में देखो तू कैसा रहता है, ये तो 7 दिन के बाद देंगे, जरूर 7 दिन के बाद देंगे। मतलब इस तरह से आप उनकी परवरिश करते तो उसको वो धीरे जाएंगे, रुकने की हिम्मत आएंगी। और फिर पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि जब आपने बोला है कि 7 दिन के बाद दूंगा, फिर आपने आपके वचन का पालन करना चाहिए, फिर नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अभी और 7 दिन, फिर नहीं करना चाहिए। अपनी जबान दी हुई है 7 दिन बाद, तो ठीक है 7 दिन बाद, नहीं तो भी सीधा बोलो कि नहीं हम तुमको लेके देंगे नहीं, ये नहीं लेके देंगे, ये होगा ही नहीं, सीधा बोलो कि नहीं होगा ये, ताकि उस समय उसको मालूम पड़ेगा कि अपने को ये मिलने वाला है नहीं, स्ट्रेट बात। नहीं तो होता क्या कि नहीं 3 दिन बाद देंगे और बाद में देते नहीं है, फिर पेरेंट्स के प्रति उसकी भावना जो है वो अविश्वास की होती है कि नहीं ये बोलते हैं करते नहीं है। फिर जब बोलते हैं 3 दिन बाद, तो उसको पहला अनुभव आया हुआ है कि नहीं देते नहीं है, और फिर उनके ऊपर विश्वास करता नहीं, वो दांगड़ो करता है, मेरे को आज ही होना ऐसा बोलता है, उसको मालूम है कि पिछले बार ऐसा बोला था दिया नहीं है। छोटे बच्चे उनको साइकिल होना है, फिर बाद में बाइक होना है, फिर कार होना है, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े खर्चे उनको। अभी तो ऐसा है कि बच्चों को अभी फॉरेन ट्रिप होना है, थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो अभी क्या हो गया, बच्चों में बर्थडे पार्टीज होती है, तो बर्थडे पार्टीज में नाइट आउट, फिर सरप्राइज गिफ्ट्स, सरप्राइज पार्टी, मतलब ऐसा ये मैरिज एनिवर्सरी उसमें सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज गिफ्ट, मतलब ऐसा कितना सारा हो चुका है कि पहले ऐसा कभी नहीं था। तो इसमें फिर टॉलरेंस कैसा डेवलप करे हर माँ बाप ने देखना जरूरी है। फिर आपको अच्छा लगा तो सभी माँ बाप को ये शेयर करो, ताकि बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाएंगी, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो एकदम अच्छी पीढ़ी, हेल्दी पीढ़ी तैयार हो जाएंगी। आपको कोई सवाल होंगे तो जरूर नीचे नंबर दिए उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करो, ऑनलाइन कंसल्टेशन करो, हमारा ऐप है वो डाउनलोड करो। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें हमारे साथ भी जुड़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।